सिंगरौली जिले में आज भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा बैठन एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए वादों के विरुद्ध भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ छलावा किया गया है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है एवं बिजली का बिल भी मध्य प्रदेश में आसमान छू रहा है। किसान सम्मान राशि को जो मोदी सरकार के द्वारा भेजी जा रही है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे वीरेंद्र गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष सिंगरौली चंद्र प्रताप विश्वकर्मा नगर निगम अध्यक्ष राजेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी, मंडल अध्यक्ष सिंगरौली सुंदर लाल शाह, बंटी गर्ग सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 32 जिलों में अति वर्षा हुई है, जिसके कारण यहां का किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आज तक मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार कांग्रेसी सरकार के द्वारा किसी भी तरह का उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा यह आरोप लगाया जा रहा है कि कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का इसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार, जबकि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा एक टीम बना करके इस जगह पर जगह जगह पर सर्वेक्षण के लिए भेजा गया है, जो एक दो दिन में सर्वे हो जाएगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो 75% केंद्र सरकार इस तरह की आपदा विपदा स्थिति में देती है और 25% राज्य सरकार देती है, तो 75% ऑलरेडी केंद्र सरकार का जमा है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश की यह वर्तमान सरकार उन किसानों के, और जो इतने अतिवर्षा के कारण कई लोग के मवेशी बह गए, कई लोग के घर बह गए हैं, उन घरों का कोई उचित मुआवजा न देकर के अपने कुंभकर्णी मिल में सोई हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते मुझे प्रदेश के आह्वान पर आज हम सब लोग प्रत्येक एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के किसी भी अहित, जो कि किसानों के ऊपर अहित हो या बेरोजगारों के ऊपर अहित हो, ऐसे अहित को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कि 11 सितंबर में हम सब लोग घंटानाद आंदोलन करके एक सोई हुई सरकार को जगाए थे, आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग किसानों के हित का ध्यान में रखते हुए यह धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन कुछ देर बाद सौंपेंगे।